हमारे मंडल के एक ऐसे अधिकारी जो लेबर से संबंधित हैं और पूरे मंडल भर में उनकी गतिविधियां चलती रहती हैं, श्रमिकों के हित के लिए तो कोई ना कोई ऐसी योजना है जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए लाभान्वित होने वाली होती है, उसे चलाते रहते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज व्यस्तम कार्यक्रम क्योंकि सचिव, प्रदेश के सचिव आए हुए हैं और उनके बहुत जगह मीटिंग्स लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप 15-20 मिनट का वासी अवकाश से लेकर के हमारे बीच में आए हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आए। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने कहा था कि मेरा जो जन्मदिन मनाया जाए वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मैं भी इसी स्कूल से पढ़ के गया हूँ, कभी स्कूल इतना ग्रोथ नहीं किया था इसने। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने शिक्षकों का सम्मान करें और यहाँ से पढ़कर अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने शिक्षकों का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। आप सभी बहुत भाग्यवान हैं कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। बहुत सारे छात्र मेरी इस बात से इंतजार रखेंगे कि कुछ ऐसे गरीब घर भी हैं जो शायद जो फीस जुटाते हैं या जो आपके यूनिफॉर्म बनवाते हैं या जो आपके लिए पढ़ने लिखने का जो भी बंदोबस्त वो करते हैं, उसमें भी शायद बहुत मुश्किलें आती होंगी। शायद अपनी इच्छाओं को मार करके वो आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये चाहते हैं कि आप समाज में ऊंचा स्थान हासिल करें। तो मैं सभी आप सभी लोगों को, सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और शिक्षक वर्ग को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि शिक्षकों का स्थान समाज में आज के परिवेश में भले ही उतना दिखता ना हो लेकिन होता जरूर है। जो हमारे उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, बाद में राष्ट्रपति बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। उनका जन्म 1888 में हुआ था। 1962 से हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यही है कि जो आपको शिक्षा दे रहे हैं हमारे असली शिक्षक को हमारे माँ बाप हैं। माता माँ को कहा जाता है प्रथम शिक्षिका, सबसे पहले बच्चे को उसकी माँ ही शिक्षक शिक्षा देती है। श्री शक्तिचंद मौर्य जी, श्री रघुवंशी जी,
सड़क प्रबंधन अधिकारी इसके उपरांत कृष्ण शर्मा जी का शौर्य और आगे गया सम्मान और अभिनंदन आपके कर्तव्य द्वारा तत्परता माननीय श्री सत्यचंद मोदी जी का शॉल उड़ा करके उनका सम्मान और अभिनंदन करते हुए कॉलेज के स्टूडेंट प्रिंसिपल सर और अतिथिगण ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है श्री सत्यचंद मोदी जी को मैं आप सभी से आग्रह करूंगा आदरणीय श्री सत्यचंद मोदी जी का सम्मान एवं अभिनंदन के उपरांत सम्मान एवं अभिनंदन करने का कार्य सभी लोग संयुक्त रूप से करें श्री उपेंद्र अवस्थी जी का शौर्य उड़ाकर के अभिनंदन के उपरांत यहाँ दोनों मित्र कॉलेज पूरे कॉलेज परिवार की ओर से ये सम्मान प्रतिचिन्ह प्रदान करते हुए स्थान ग्रहण करने का कार्य करें आपका सम्मान स्वागत एवं आदरणीय श्री बब्बी गुरु जी का माल्यार्पण का स्वागत एवं अभिनंदन हमारे गुरु जी श्री सहजाद जी का माल्यार्पण का स्वागत एवं अभिनंदन और हमारे सार्वजनिक कॉलेज परिवार की ओर से करते हुए अभी हम देख रहे थे जब रात्रि ग्राहकों को सम्मान किया जा रहा एक बहुत मन को सुकून देने वाली बात नजर आई जो अक्सर बार बार हम विद्यालय में आकर देखते हैं अनुशासन सब बच्चे प्रॉपर ड्रेस में हैं और बड़ी अनुशासन के साथ यहाँ पर विराजमान है और बड़ी सहजता के साथ बड़ी आदर के साथ आप अपनी कर्तव्य धर्मियों से जब आपके अध्यापकों को यहाँ सम्मान किया जा रहा था तो मैं बड़ी सुंदरता के साथ कर धर्मेश्वर सर का स्वागत कर रहे थे तो मैं मनोभाव के साथ उनका स्वागत कर रहे थे कल जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें सरसाफ रूप में एक आदर्श अध्यापक के रूप में आदरणीय गुरु जी श्री श्याम कुमार शर्मा जी को चयनित किया गया और उसके लिए हम आज गुरु जी को आपके भी खाते में सम्मान करने के लिए
अभिनंदन आज के पास